आज हम लोग यहाँ पर फिट इंडिया के इस ग्राउंड में उपस्थित हैं और यह बताता है कि किस तरह फिट इंडिया एक सोशल मूवमेंट का रूप ले चुका है। इतना यहाँ पर पानी है, आप देख सकते हैं, लेकिन नेचर भी फिट इंडिया को अब रोक नहीं पा रहा है। ये सारे लोग यहाँ पर एक्सरसाइज किए हैं और यह बता रहा है कि एक्सरसाइज की कितनी बड़ी भूमिका है। एक्सरसाइज के माध्यम से शारीरिक मानसिक विकास आज फिट इंडिया का बजवर्ड बन चुका है और इसी कारण रात भर बारिश के बाद पूरे गार्डन में आप देख सकते हैं बारिश है चारों तरफ, लेकिन फिर भी हम सब यहाँ पर इकट्ठा हैं और यहाँ पर एक्सरसाइज का आयोजन हुआ है। ये सब लोग हैं क्योंकि किसी का मन लगता ही नहीं घर में रहकर। अगर वो बंदा यहाँ पर जो है एक्सरसाइज ना करे तो लगता है कि कुछ सुना सुना सा रह गया है, और यही फिट इंडिया का मिसाल है। थोड़ा बात करते हैं, एक मिनट पास में आइएगा। यहाँ पर हमारे मुन्ना भैया हैं, ये एक्सरसाइज करवाए हैं। इस बरसात में भी आपका एक्सरसाइज बंद नहीं हुआ? बंद होना भी नहीं चाहिए, ताकि एक्सरसाइज बहुत बढ़िया चीज़ है, सबका शरीर फिट रहता है। एक ऐसा है कि लोग खिंचाव लाता है, चले पार्क में थोड़ा सा एक्सरसाइज कर लिया जाए। घर में तो बारिश में ऐसे बैठे रहते हैं, यहाँ शरीर बिल्कुल हल्का हो जा रहा है। मैं बता दूँ, ये हमारे दूसरे मास्टर ट्रेनर हैं। संयोग से आज हमारे प्रदीप जी यहाँ पर आज नहीं आए हैं, लेकिन हमारे दूसरे मास्टर ट्रेनर यहाँ पर आ गए हैं। ये सभी लोग हैं और आप इनके चेहरे की मुस्कुराहट देख सकते हैं, क्योंकि बारिश भी इन लोगों को रोक नहीं पा रही है। और इस बारिश में पानी के बीच में भी अगर आप देखें तो पूरा यहाँ पर हुआ है। तो इसीलिए संदेश ये है कि चाहे जाड़ा हो, गर्मी हो, बरसात हो, मौसम की कैसी भी तपिश क्यों ना हो, हमें अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए स्वयं को प्रयास करना होगा। कोई बाहर वाला आके नहीं बताएगा, और इसके माध्यम से, क्योंकि अगर शरीर स्वस्थ है तो मन भी स्वस्थ है, और अगर शरीर स्वस्थ है तो मन भी स्वस्थ रहेगा। इसलिए फिट इंडिया का यह मैसेज है कि स्वयं को भी, शरीर स्वयं के शरीर को आप स्वस्थ रखिए, दूसरे को भी बताइए, और एक स्वस्थ भारत यानी कि फिट इंडिया के साथ जुड़िए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय श्री राम। फिट इंडिया पटना से, धन्यवाद। जय श्री राम। थैंक यू।